بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته calculus کے اس lecture میں ہم integration کا یہ question کرتے ہیں solve calculus 1 book to follow اور یہ calculus 1 کا solution manual ہے evaluate 5x square is per 4x cube plus log x over x. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको दो इंटीग्रल बना लेते हैं. 5x square is per 4x square x cube dx एक ये इंटीग्रल बन गया और दूसरा बन गया इंटीग्रल log x over x dx. इसे हमने रिलेशन वन कह दिया और ये दोनों इंटीग्रल जो हैं इनको बारी बारी हम इंटीग्रेशन करते हैं अब इसकी. तो पहले हमने कंसीडर किया ये वाला इंटीग्रल 5x स्क्वायर e रेज पर 4x क्यूब dx. 5 चूंकि कांस्टेंट है तो इंटीग्रल साइन से बाहर ले गए. अब ये इंटीग्रेशन करने से पहले हमें ये सोचना है कि कौन सी चीज किसी का डेरिवेटिव कौन सी चीज किसी का डेरिवेटिव बन सकती है. अगर आप बड़े गौर से देखें तो x स्क्वायर जो है वो x क्यूब का डेरिवेटिव बनता है. तो हम अगर ये पूरी की पूरी टर्म जो है 4x क्यूब किसी नए वेरिएबल के बराबर सपोज कर लें तो ये इसका डेरिवेटिव बन जाएगा. यानी एक असल इम्पोर्टेंस जो है ना वो एक्स क्यूब की है. इसकी देखनी है कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव बनता है 3x2. 3 कांस्टेंट का इशू कोई नहीं है. तो एक्स क्यूब जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो 3x2 है. तो x2 चूंकि मौजूद है इसलिए हम 4x3 जो है पुट कर लेते हैं. हमने सपोज किया लेट टी बी इक्वल टू 4x3. जब इसका डिफरेंशियल लेंगे तो dt आ जाएगा 12x3x^3-1 dx. आपको डिफरेंशियल लेना आ गया होगा वरना आप डेरिवेटिव ले सकते हैं. dt और dx लेते हैं तो आता है 12x2 और फिर आप dx नीचे वाला उधर ले जाते हैं तो ये फॉर्म बन जाती है. वैसे आप डायरेक्ट ही डिफरेंशियल लेना सीखें. t का डिफरेंशियल dt और 4x3 का आ जाएगा 12x^3-1 dx. ये 12 इधर ले आए और ये बन जाएगा 1/12 dt x^2 dx. तो अब आप जैसा आपको पता है कि ये वाला जो x^2 है ये वाला x^2 और ये जो dx है इनकी जगह आप क्या पुट करेंगे. x^2 dx की जगह आ जाएगा 1/12 dt और ये जो 4x3 है इसकी जगह आ जाएगा t. तो इस तरह से आपके पास क्या फॉर्म बन जाएगी. फिर 5 वैसे के वैसे रहा जैसे मैंने भी बताया. x^2 dx इसकी जगह आ गया 1/12 dt और ये जो 4x3 है इसकी जगह आ गया t. मैं इसको जरा क्लियर करके दोबारा बताता हूँ आपको कि x^2 और dx मिलके बनाएगा 1/12 dt जैसा कि यहाँ पे है और e की पावर 4x3 रह गया. तो 4x3 में आपने पुट करना है 4x3 की जगह t पुट करना है. अब आसानी से हम 12 को बाहर ले जा सकते हैं. 5/12 e रेस पर t dt आ जाएगा और e की पावर t की इंटीग्रेशन आपको पता है कि वही होती है e की पावर t. और फाइनली आपने t की वैल्यू पुट करनी है वो बन जाएगा 4x3. इसे हम लेवल 2 कर देते हैं. यानी ये जो इंटीग्रल इंटीग्रेशन थी इंटीग्रल जो था उसमें से एक इंटीग्रल की इंटीग्रेशन हमने कर ली है. अब दूसरे इंटीग्रल की इंटीग्रेशन करनी है log x over x. तो next consider log x integral log x over x. इसमें भी सोचें कि कौन सा फंक्शन और कौन सा डेरिवेटिव है. डेफिनेटली log x फंक्शन है और 1 over x का डेरिवेटिव है. तो हम फंक्शन पुट कर लेते हैं u is equal to log x. देन डिफरेंशियल जब लेंगे तो du क्या आ जाएगा 1 over x dx. अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है कि अब आप ये dx over x इसकी जगह तो आ जाएगा सिंपल du और उसके बाद आप log x की जगह आपके पास आ जाएगा u. तो अब आप लिख रहे हैं dx over x की जगह du आ गया और log x की जगह u आ गया. u की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u करेंगे तो आ जाएगा u^2 और u की दोबारा वैल्यू पुट कर दें वो आ जाएगी log x और ऊपर स्क्वायर पड़ा रहेगा. u की वैल्यू log x है. तो ये आपके पास रिलेशन 3 आ गई.
यानी हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर लिख लिया, ये इस इंटीग्रल को सॉल्व करके आंसर लिख लिया। ये बात याद रखें कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आता है, इधर भी आना था इधर भी आना था, लेकिन जब इनको दोनों में पुट करना था तो यहाँ पुट करके दो कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ जाते, तो दोनों को ऐड करके एक नया कांस्टेंट बन जाना था, इसलिए हमने यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखा ही नहीं और ना यहाँ लिखा है। अलबत्ता जब ये वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो आंसर जो आएगा उसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम खुद से प्लेस कर देंगे। पुटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम 2 and 3 इन 1 वी हैव, ये तो आ गया ना, इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया और इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, जो 2 और 3 में आंसर आए थे। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इंटीग्रेशन करते वक्त आना ही था, ये तो हमने इनको लहदा लहदा करके लहदा सॉल्व किया है अपनी आसानी के लिए, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पे आ गया, पीएससी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और कोई क्वेश्चन के बारे में कोई चीज़ आपने पूछनी हो अगर ना समझ आई हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और एक दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर आप कोई और टॉपिक भी पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में आप पूछ लिया करें, तो फिर उस टॉपिक की प्रायोरिटी पे उसको पहले आपको प्रेजेंट किया जा सकता है। डिपेंड करता है कि कितने लोग जो हैं वो किसी टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं, तो मैं फिर वो उसके हिसाब से ही उस टॉपिक को प्रायोरिटी दे के पहले कर देता हूँ।